तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक बर्नर के बारे में। तो गाइस क्या टेक बर्नर का 25 से 30 लाख रुपए फ्रॉड हो गया? जी हां गाइस, टेक बर्नर एक रिसेंट पॉडकास्ट में बताए उसका 25 से 30 लाख रुपए फ्रॉड हो गया था। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दो, आप देखिए। इसकी पॉडकास्ट में हमने थोड़ी सी बात करी थी, बट बेसिकली हुआ क्या था कि हमने जो ऑर्डर करा था, जो हमारे ऑर्डर आए थे, एक जो बीच में वेंडर था उसका डेटाबेस हैक हो गया था। उसका डेटा किसी ने यूज करके हमारे पैकेजेस जो कॉल उस पर कैश ऑन डिलीवरी भी डिलीवर होते हैं ना, फेक पैकेजेस डिलीवर कर दिए और पैसे ले लिए, फटी टी शर्ट दे के पैसे ले लिए कस्टमर से। एंड फिर हमको पता चलता है यार ये हुआ, फिर हमने पुलिस केस करा, सारी चीज़ें हुई। एंड उस केस में यार हमने वो वेंडर को हटाया, हमने सॉलिड वेंडर पकड़े, बट वो जो पैसा था यार, ऑडियंस दुखी हो रही थी कि भाई ऑडियंस को तो भाई प्रोडक्ट भी नहीं मिला। एंड फिर हमने जब डिलीवर करा उनको, तो हमने फ्री में डिलीवर कर दिया, हमने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करा था, तो ऑडियंस को तो दिक्कत नहीं हुई, बट वो 25-30 लाख रुपए के अराउंड का नुकसान हमको लेना पड़ा। ऐसे मल्टीपल चीजें हुई हैं। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अजज खान वर्सेस राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो गाइस मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि अजज खान एंड राजवीर सिसोदिया जब एक दूसरे से फेस टू फेस मिले मुंबई पर, तो उसी को लेकर राजवीर सिसोदिया ने एक रिएक्ट करा था। एंड उन दोनों का बहुत लफड़ा होने के बाद क्यों कॉम्प्रोमाइज करा, तो उसी को लेकर राजवीर सिसोदिया ने रिसेंटली एक और वीडियो डाला। तो कैसे वो सब हुआ था, उसी को लेकर वो क्या बताए, आप देख लो। सबसे पहले तो भाई देखो, चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने, तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के चार डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने अजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। तो भैया जब तुम कहा था, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था, पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी में दम हुआ नहीं। वाले थे घर में बैठे कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दो चार कीड़े जो जिंदगी में कभी जो दूसरे गांव में न गए हों, दूसरे मोहल्ले में न गए हों लड़ाई करने। बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, भैंसाबाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी, भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहाँ से थाने चलो या दोनों गले मिलो। वहाँ भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं, उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिछोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। और इतना ही दम है मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ, जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी में दम हो ना, फ्लाइट करवाओ, वहां जाके जहाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जाए दम है तो टांगे ना ऐसे ऐसे कांपेंगी, दम नहीं होने का वापिस भी आ जाओ। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए, बोल के दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना, फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी की है फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवल किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी विनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा बोला मैं क्यों बोलूं कैरी विनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूँ, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूँ कैरी मिनाती का, देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं तुम्हारी दम हो ना, मैं दम हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पियाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके दम रखो कि मां अकेले जा सको और उसके सामने खड़े हो सको। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, बस फोन आया आ गया हूँ आ जा। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस के अजज खान एंड राजवीर सिसोदिया का वीडियो फेक है, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार ने बताया वो दोनों बिग बॉस जाने के लिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं। जी हां गाइस, पुनीत सुपरस्टार का उस वीडियो को आप देखिए। भाई ये अजज खान और राजवीर ने, इन दोनों ने मिलकर पब्लिक का ऐसा चूतिया बनाया बिग बॉस में जाने के चक्कर में कि इन्होंने फेक कंट्रोवर्सी कर डाली, पुलिस वालों का टाइम खराब और तुम लोगों का टाइम खराब। अब बेटा तुम दोनों ने ये जो फेक कंट्रोवर्सी करके लोगों का चूतिया काटा है ना, तुम दोनों जिंदगी में बिग बॉस नहीं जा सकते। जिंदगी में लिख के ले लो, तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा अगर तुम बिग बॉस चले जाओ, क्योंकि बिग बॉस वालों को सब पता है कि तुम दोनों फेक कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे थे।
अब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेंगे बिग बॉस वाले, अब तो तुम ब्लैक लिस्ट हो जिंदगी भर के लिए बिग बॉस। अब तो तुम कोई और शो पकड़ लो, छोटा मोटा काम वाम कर लो अब तो तुम कोई भाई। तो गाइस आपको इसके बारे में क्या लगता है आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताना, एंड इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।